एसओजी टीम व थाना बंडा पुलिस एवं मिलिट्री इंटेलिजेंस बरेली की संयुक्त टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विभिन्न कार्यालय की मोहरे फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी का रुपए ऐंठने वाले गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि जो अभ्यर्थी भारतीय सेना में दौड़ फिजिकल आदि पास कर लेते थे उनसे शेष भर्ती प्रक्रिया में सफल कराने के नाम पर वह रुपए ऐंठते थे और धोखाधड़ी करके कूट रचित अभिलेख तैयार करके उनको देते थे। यही नहीं, भारतीय सेना में भर्ती हो जाने के बाद उनका थाने में चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य भी करते थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों को जेल भेजकर विवेचना शुरू कर दी है। शाहजहाँपुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। ये एक बड़ा बहुत बड़ा स्कैम है ये जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है। ये आर्मी रिक्रूटमेंट से संबंधित है और इसमें जो कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हो गए वो अपने फर्जी नाम पते पर यहाँ जनपद शाहजहाँपुर का, और इसके बाद ये भी मालूम चल रहा है कि इसमें बरेली पीलीभीत बदायूं इन पतों पर अपना अभिलेख फर्जी अभिलेख बनाकर ये आर्मी में रिक्रूट हो गए। ये खुला यूँ कि जब इसकी वेरिफिकेशन आती है पुलिस में, वंस दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड उसके बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास आता है। जब ये वेरिफिकेशन के लिए आया तो इसमें कुछ एक कैंडिडेट का पहले डाउट हुआ कि क्या है कैसे है, तो उसके बाद जो पता उसने दिया था ये लगा कि उस पर पता कराया जाए। तब तक हमारी एसओजी की टीम भी इस पर काम कर रही थी तो उसको भी इनपुट मिला कि वहाँ थाना बंडा क्षेत्र में, बंडा कस्बे में ही एक कॉलोनी में एक मकान जिसका पता इन लोगों ने दिया है वहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ पर रेड हुई, रेड होने पर ये पकड़े गए। इनमें से 4 लोग प्रमुख रूप से वहाँ पकड़े गए जो जिनके घर के लोग ऑलरेडी आर्मी में रिक्रूटेड थे, और इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास से फर्जी मोहरे वगैरह बरामद हुए। ये सिस्टम ऐसा था इनका कि ये करते क्या हैं कि पहले जहाँ के ये रहने वाले अधिकतर, ये सारे लोग जो अब तक समझ में आ रही है बात, ये सारे लोग वेस्टर्न यूपी के हैं। चूँकि वहाँ पर जो फिज़िकली फिट उतना नहीं रहता है तो वहाँ चूँकि कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ है तो वो प्रयास ये करते हैं कि ऐसे जगहों से अपना नाम पता देकर यहाँ के आर्मी में भर्ती का होने का प्रयास करें जहाँ से उनको थोड़ा फिजिकली थ्रू होने में आसानी हो। तो इस लिहाज से इन्होंने इस एरिया को चुना। इसके बाद फिर ये जब पहले बार फर्स्ट फेज में जब ये जाते हैं तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसके सारे मोहर ये फर्जी लगवा लेते हैं, और इसमें एनी वेयर बिटवीन 1 लाख से लेके और 5-6 लाख तक की इनकी वो है। जो कराता था उसका नाम वही सुरेश खेड़ा है जिसने ये चीज़ें कराई, और उसके पास से ये मोहरे बरामद हुए। तो वो पहले ये करा देते हैं, कराने के बाद जब ये सब इनका मेडिकल तक का ठेका उनके पास रहता है कि जब वो थ्रू हो जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स को पहले चूज़ कर लेता है जो वो जानता है कि ये हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ के पतों पर वो करा देता है। कराने के बाद जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आता है तो यहाँ थानों से ये प्रयास करते हैं किसी न किसी को अपने लूप में लेके और उसका वेरिफिकेशन फर्जी तरीके से करा लिया जाए। तो उसी सिलसिले में जब ये जानकारी हुई कि इसमें एक सिपाही है जो थाना बंडा पोस्टेड है, मनवीर नाम है उसका, उसको 52,000 रुपये दिए गए थे जिसमें 42,000 रुपये कैश में दिए गए और 10,000 रुपये जीपे किए गए उसके भाई के नंबर पर। तो उसकी एक डिजिटल एविडेंस मिल गई, इस आधार पर उसकी भी गिरफ्तारी हुई है उस सिपाही की भी, और उसके खिलाफ करप्शन एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं और आज उसको बरेली में जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष, सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे जो गंभीर बात इसमें यह है कि जब ये चीज़ मालूम चली तो हमारे जो MI के लोग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें देखी गई, ये जो पेपर्स थे उनके पास से जो फर्जी कागजात मिले हैं, तमाम निवास प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, तो ये सारे बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उसका भी बहुत गहनता से हमारे MI के लोगों ने भी इसका वो किया। उसके बाद फिर CIO के लोग भी आए थे यहाँ, वो भी यहाँ पे उस इंटरोगेशन में शामिल हुए, हमारे LI के लोग थे। तो ये बहुत एक डिटेल इंटरोगेशन हुई इनकी, इसके आधार पर बहुत से तथ्य ऐसे प्रकाश में आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पर एक स्कैम है। और हम लोग अपने जनपद में 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हैं उन सबको वेरीफाई करा रहे हैं, और हमारे DIG रेन साहब ने भी अपने पूरे रेंज में इसको करा रखा है। जब उनको ये सूचना रात में दी गई कि ऐसी ऐसी बात है
तो उन्होंने भी आदेश कर दिया है कि अपने पूरे रेंज में जितने भी इस तरह के आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हों, जिनका वेरीफाई होकर चले गए हों, तो उस पर पूरी जांच दोबारा करा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और बहुत से ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने फर्जी अपने नाम पते पर आर्मी में जगह पा ली। एग्जैक्टली यही बात आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा जो डिस्टर्बिंग फैक्ट इसमें ये आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे एंटी नेशनल तत्व हैं जिन्होंने अपने फर्जी नाम पते पर इस तरह से आर्मी में घुसपैठ बनाने की कोशिश की हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के एंटीसीडेंट्स भी अच्छी तरह से इसकी गहनता से जाँच होगी कि क्या कोई उनके परिवार में कोई या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कहीं से जुड़ा हो इस तरह के एलिमेंट्स से, जिससे आर्मी में इस तरह घुसपैठ करके और हमारे जो सामरिक महत्व के जो सूचनाएं हैं या स्थान हैं उनके बारे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लीक हो। तो अभी ये प्रिमिटिव स्टेज पे है, कल रात की ही अरेस्टिंग है और आज सुबह से हमारी कार्रवाई बहुत मजबूती से चल रही है और इस पे जो विवेचना में भी और जो लोग भी इसमें आएंगे उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसके पास एक लिस्ट मिली है सुरेश खेड़ा के पास, वो लिस्ट भी हमने केस डायरी में अटैच किया हुआ है। उस लिस्ट के में के मुताबिक करीब 27-28 लोग हैं जिनका उसने हिसाब किताब लिखा हुआ है कि इससे इतने लाख बाकी हैं, इससे इतने लाख लेने हैं, इस तरह से। तो ये तो प्राइमा फेसाई है ही, लेकिन इसको केवल उतना ही तक ना मान के हम लोग पूरे तौर से पूरे रेंज में इसको खंगाला जा रहा है। अपने जनपद में भी 1 जनवरी 2019 से ऐसे लोगों के बारे में पूरी छानबीन की जा रही है जिन्होंने आर्मी में वेरीफाई करा के और भर्ती किया। ये वही मैं बताया, सुरेश खेड़ा नाम का व्यक्ति है जो प्राइमरीली इनको इन कराता है, फर्जी कागजात बनवा के, फर्जी मोहरें लगवा के ये पहले उनको इन कराता है। उसके बाद फिर आर्मी का जो पुलिस का वेरीफिकेशन है ये कैंडिडेट्स के ऊपर है कि वो कैसे कराएंगे, इसका जिम्मा उसके ऊपर नहीं है। लेकिन प्राइमरीली जो आदमी इसमें जो मेन रोल में है वो अभी तक की जो जानकारी है उसमें सुरेश खेड़ा है। इस पर भी अभी गहनता से जांच की जानी है कि क्या उसके भी और अकॉम्प्लिस हैं, सुरेश के और किन किन लोगों से संबंध हैं, संपर्क हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इसको इसके लिए नोडल बना के और इस तरह से कोई कार्रवाई इसके मार्फत करा रहा हो जिससे हमारे आर्मी के की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो सब कहीं लीक हो जाए। ये अभी एग्जैक्टली नहीं क्लियर है क्योंकि कल रात को 23:50 की अरेस्टिंग है, बट सुरेश इज़ बीइंग इंटरोगेटेड वेरी रिगरसली और उसके बाद फिर जैसे भी इसमें तथ्य समझ में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी।